बसमीम्असल वरम वा वेलकम टू माई किचन मैं हूँ शेफ हाफा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशियस से फैटो चीनी अल्फेडो पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ आज की इस रेसिपी में हम फैटो पास्ता भी खुद ही बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस अल्फेडो सॉस बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी सी ग्रिल चिकन ये सेम वैसे ही बनेगा जिस तरह किसी अच्छे रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है और इसको खा के आपको मजा आ जाएगा तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे पास्ता डो तो उसके लिए हम क्लीन काउंटर टॉप पे ऐड करेंगे दो कप मैदा मैदे के दरमियान में हम इस तरह हल्का वेल बना लेंगे इसमें हम ऐड करेंगे दो अंडे चाहे तो आप ये पास्ता खाली एग योग से भी बना के तैयार कर सकते हैं साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक अब हम एक फोर्क यानी कि कांटे की मदद से इस तरह से अंडे को मिक्स करेंगे थोड़े थोड़े मैदे के साथ जब अंडा जो है वो मैदे में थोड़ा सा से मिक्स हो जाएगा तो हम फोर्क हटा लेंगे एक स्क्रेपर के साथ बाकी का जो मैदा है वो हम अंडे में ऐड करेंगे। इसमें हल्का सा ऑलिव ऑयल ऐड कर अब हम इसको मिक्स करते हुए अच्छी तरह तो से एक दो बना के तैयार कर लेंगे अगर हमें लगे यहाँ पे पानी की ज़रूरत है तो फिर पानी जो है वो थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं तो जी यहाँ पे मैंने इस तरह से पास्ता की डो जो है वो बना ली है ये देखिए अब हम डो को कवर करके थर्टी मिनट्स का रेस्ट देंगे इस तरह करने से डो जो है वो सॉफ़्ट हो जाएगी तो जी यहाँ पे डो जो है वो मैंने उसको थर्टी मिनट्स का रेस्ट दिया है और डो जो है देखिए इस तरह से बेहतरीन सी तैयार है ये पास्ता डो बिल्कुल परफेक्ट है अब ना हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से काउंटर पे डस्ट करेंगे थोड़ा सा मैदा और डो को हल्का सा बेल लेंगे उसके बाद हम डो को इस तरह से पास्ता मशीन से निकाल लेंगे अगर आपके पास पास्ता मशीन ना हो तो सिंपल आप इसको अच्छे से बेल लें और इस तरह से हमारे पास बहुत ही डिलिशियस सा बिल्कुल होम मेड फ्रेश पास्ता जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा ये देखिए अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल इसको नाइफ से कट कर सकते हैं लंबाई में या पिज्ज़ा कटर की मदद से अब हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे तो उसके लिए हम पानी में ऐड करेंगे वन टी स्पून सॉल्ट और हल्का सा ऑयल और उबलते हुए पानी में हम पास्ता ऐड करेंगे पास्ता को मैंने हैंग करके रख दिया था तो इस तरह से थोड़ा सा हार्ड हो गया है अब हम पास्ता को बॉईल करेंगे तब तक जब तक पास्ता में एक बाइट ना आ जाए और ये माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट पास्ता जो है वो बन के रेडी हुआ है तो तकरीबन आठ मिनट के लिए मैंने पास्ता को बॉईल किया है अब हम इसको छान लेंगे अब यहाँ पे सिंपल मेरे पास है चिकन ब्रेस्ट फुल इसको हम इस तरह से हाफ में कट कर लेंगे इस तरह साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकती है बिल्कुल फ्री है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी कट करके इसको एक साइड पे रखेंगे और बाकी के हाफ को भी इस तरह से कट कर लेंगे सिंपल देखिए इस तरह से हाथ रखे स्ट्रेट करके और चिकन ब्रेस्ट को हाफ स्लाइस कर लें हाथ को बचाते हुए बहुत ही ध्यान से अब हम इसके ऊपर इस तरह से पार्चमेंट पेपर रखेंगे और इस तरह से देखिए इसको मीट हैमर से थोड़ा सा स्मैश कर लेंगे इस तरह करने से जब हम चिकन को ग्रिल करेंगे तो बहुत ही आसानी से और कोई ये ग्रिल हो जाएगी तो इस तरह से मैंने चिकन को कर लिया है अब हम इसको एक बोल में निकालेंगे साथ ही इसमें ऐड करेंगे वन टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट हाफ टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून चिली सॉस थोड़ा सा ऑर्गेनो स्प्रिंकल करेंगे हल्का सा ऑयल एड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही डिलशियस और क्विकसी मैरिनेट हो गई है चिकन अब मैं ग्रिल पैन को गर्म होने देंगे और फिर इसमें ऑयल ऐड करेंगे गर्मा गर्म ग्रिल पैन में हम ऐड करेंगे चिकन इसको हम एक तरफ से दो से तीन मिनट के लिए पकने देंगे और इसके बाद हम चिकन की साइड चेंज करेंगे और इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे लेकिन उससे पहले हम चिकन को थोड़ा लूज कर लेंगे इस तरह और फिर सिंपल इसको इस तरह फ्लिप कर लेंगे दूसरी तरफ से भी हम इसको दो से तीन मिनट के लिए पकाएंगे और बहुत ही जूसी सी चिकन जो है वो तैयार हो जाएगी तो जी बहुत ही डिलिशियस सी चिकन जो है वो रेडी है इसको हम एक तरफ रखेंगे ताकि इसके जूस जो है वो सेट हो जाए अब हम एक पैन में ऐड करेंगे तकरीबन टू टेबल स्पून ऑयल साथ ही इसमें ऐड करेंगे वन टी स्पून फाइन किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन और वन टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि क्रश्ड रेड चिली और इसको हम अच्छे से थोड़ा सौते कर लेंगे इसको हम थोड़ा तो सौते करेंगे और जब ये सौते हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम्स तकरीबन हाफ कप इस तरह से स्लाइस किए हुए और मशरूम्स को भी सौते कर लेंगे एक से दो मिनट के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे दो पैकेट फ्रेश क्रीम के और पहले एक पैकेट ऐड करके इस तरह थोड़ा मिक्स कर लेंगे और चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे साथ ही दूसरा पैकेट क्रीम का ऐड करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे वन टेबल स्पून पामजान चीज पाउडर वन टी स्पून चिकन पाउडर वन फोर्टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक वन फोर्टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून शुगर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही यहाँ पे दूध ऐड कर लेंगे तकरीबन एक गिलास थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे तो सॉस की कंसिस्टेंसी तरह से लाइट सी हो जाएगी एकदम अब हम सॉस में ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ फैटोचीनी पास्ता साथ ही यहाँ पे थोड़े से ब्लैक ऑलिव स्लाइस में कट करके ऐड करेंगे और थोड़ा सा चीज ऐड कर लेंगे साथ ही हम हाँ इसमें एक चिकन ब्रेस्ट जो हमने कुक किया था उसको इस तरह से कट करके ऐड कर लेंगे और अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे तो देखिए बहुत ही डिलिशियस है चीनी अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी है इस तरह से एकदम क्रीमी सा और फ्लेवरफुल सा है सेम इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स में बन के रेडी होता है इस पास्ता को बनाते ही फ़ौरन से सर्व किया जाता है हम इसको रख नहीं सकते वरना ही ड्राई हो जाता है तो हमें इसको फटाफट सर्व करना है अब जो हमने चिकन कुक की थी उसको इस तरह से स्लाइस में कट करेंगे और इस तरह से देखिए पास्ता के ऊपर रख देंगे सेम इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स में सर्व होता है पास्ता तो जी तैयार है बहुत ही डिलिशियस है फैटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता खाने में बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवर जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला है तो अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।